तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलेंगे गोरखपुर, जहां पर ब्रह्मलीन महंत अवधेयनाथ जी महाराज के 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित होते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नजर आ रहे हैं। पूज्य महंत अवधेयनाथ महाराज जी की 8वीं पुण्यतिथि पर उन्हें मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पूज्य महाराज जी को कोटि कोटि नमन। हिंदू राष्ट्र ध्वज को लेके चलना इस मंदिर द्वारा ये प्रथा थी और पूज्य महाराज जी द्वारा ये समस्त विश्व में इसका प्रचार प्रसार हुआ। आज मैं विश्व भ्रमण करके आया हूँ विदेशों से, वहाँ पर पूज्य महाराज जी की इसी विचारधारा के बारे में बड़ी बड़ी चर्चा हुई। जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटी में मैं गया और वहाँ के बच्चों से कि सनातनी विचारों को लेके सनातनी धर्म का पालन करते हुए अपनी संस्कृति के साथ भी आप इस देश को जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी चला रहे हैं, जैसे पूज्य महाराज जी सेकंड टर्म में इस इतने बड़े 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं और सर्व समाज को लेके, ये हिंदुत्व की बहुत बड़ी पहचान है। और हिंदुत्व का ध्वज या सभी हमारे पहले सबने कहा कि राम जन्मभूमि से लेके ये मंदिर ये पीठ एक आंदोलन के लिए जाना गया, ये मंदिर और ये पीठ दूसरे के दुख दर्द को लेके चलने के लिए जाना गया, गरीबों की आवाज़ के लिए मंदिर ये पीठ जाना गया। जब भी गरीबों को पीड़ा हुई पूज्य महाराज जी हमेशा खड़े रहे, ये पीठ हमेशा खड़ा रहा। जब भी अधर्म पर धर्म पर किसी तरह से कोई भी आपत्ति आई, ये पीठ खड़ा रहा। मैं ऐसे पीठ को प्रणाम करता हूँ और जितने मंचासीन सारे हमारे बड़े बड़े संत साधु यहाँ हैं समस्त भारत से, और इतने दिन से ये पूजा पाठ यहाँ पे जप चल रहा है, मैं सभी को नमन करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि हमारी कोई कुवत नहीं, मैं इन लोगों के समक्ष बैठ के दो शब्द बोल पाया। आज महादेव की कृपा हुई कि आज इस लायक हमको महादेव बनाए। धन्यवाद महाराज जी आपके। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की।